जाबाज जनरल विपिन रावत का होगा अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे दिल्ली वाले घर में अंतिम दर्शन दोपहर 2 बजे निकाली जाएगी अंतिम यात्रा। दिल्ली कैंट में ब्रिगेडियर LS लिटर का होगा अंतिम संस्कार हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ था निधन। दिल्ली में हवा की क्वालिटी पुअर कैटेगरी में AQI 293 किया रिकॉर्ड। बूस्टर शॉट्स के लिए COVID-19 टीकों की जमाखोरी पर अमीर देशों को WHO ने चेतावनी दी। यूपी सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, नोएडा में वाणिज्य कर विभाग के 4 अफसर सस्पेंड। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र के पोइया घाट पर सैनिक सम्मान के साथ विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके निवास पर पार्थिव शरीर पहुंचेगा, जिसके बाद पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के निजी निवास से शव यात्रा पोइया घाट के लिए निकलेगी, जहां पोइया घाट पर सेना उनको गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी देगी। गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी पृथ्वी सिंह को। आगरा से खबर सामने आ रही है, जहां उनका जो पार्थिव शरीर पहुंचेगा सैनिक सम्मान के साथ उनके आवास, पहले पार्थिव शरीर पहुंचाया जाएगा, उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र के पोइया घाट पर सैनिक सम्मान के साथ विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके निवास पर पार्थिव शरीर पहुंचेगा, जिसके बाद पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और जितने भी कुल 13 लोग विमान हादसे में शहीद हुए हैं, उन सभी का आज अंतिम संस्कार होगा पूरे सैनिक सम्मान के साथ। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी हैं आगरा से। ममता, इस वक्त क्या माहौल है आगरा में? जी शिखा, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की विंग कमांडो पृथ्वी सिंह का जो पार्थिव शरीर है वहां पहुंचने वाला है कुछ ही घंटों में, जो सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है, तो वहाँ जो माहौल है वो बहुत ही गमगीन माहौल है। वहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है, रिश्तेदार से लेकर के शहर के काफी राजनीतिक दल भी पहुंच गए हैं, जो समाज सेवी संस्थाएं थी वो भी पहुंच चुके हैं, काफी लोग, क्षेत्रीय जनता, काफी भीड़ है, बहुत लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है वहाँ उनकी जो अंतिम दर्शन है उनको करने के लिए। जी ममता, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह के परिवार में कौन कौन है? जैसे कि हम तस्वीर में देख पा रहे, 2 छोटे बच्चे हैं, और कौन कौन है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि विंग कमांडर जो पृथ्वी सिंह है वो अपने 4 बहनों के बीच में एक इकलौते भाई थे, और उनके माता पिता हैं, जो कि पिता हैं, मैंने कल भी बताया था आपको कि जो पिता हैं उनकी आंखें जो खराब हैं, जो कि उनसे जो बात हुई थी, और माता पिता हैं और उनकी एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं, जो कि बच्चे काफी छोटे छोटे हैं, 9 साल का एक बेटा है और 12 साल की बेटी हुई है। जी जी, तो इस वक्त भीड़ देखने को मिल रही है पृथ्वी सिंह के आवास के पास? जी बिल्कुल, भीड़ वहाँ इतना जनता उमड़ पड़ी है, इतना हुजूम है वहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए कि वहाँ पर शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जी जी, अंतिम संस्कार कितने बजे किया जाएगा ममता? जी बिल्कुल, जिस तरह सूत्रों के मुताबिक जो बताया जा रहा है, जैसे ही दिल्ली से वहाँ बाई एयर उनका जो पार्थिव शरीर है वो वहाँ बाई एयर आएगा, आगरा खेरिया एयरपोर्ट पे आएगा, उसके बाद वहाँ सैनिक सम्मान के साथ उनका पोइया घाट पर लगभग दोपहर के बाद ही उनका अंतिम संस्कार हो पाएगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता ममता जुड़ी थी आगरा से।
बलिया में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रैली में भीड़ का काला सच देखने को मिला, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आगमन पर बलिया के रसड़ा में मथुरा पीजी कॉलेज में आयोजित एक सभा का आयोजन किया गया, जहां पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की प्रचंड भीड़ देखने को मिली। पर सभा समाप्ति के बाद वहां मौजूद महिलाएं उग्र हो गई। महिलाओं की माने तो उन्हें समूह की मीटिंग के नाम पर यहाँ बुलाया गया था, उन्हें मालूम ही नहीं था कि कौन इस कार्यक्रम में आ रहा है। उनसे बताया गया कि ये समूह की मीटिंग है, इनमें समूह के अधिकारी आ रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद हंगामा बढ़ता देखकर वहां उपस्थित पुलिस बल और अधिकारियों ने समझा बुझाकर महिलाओं को वापस भेजा। तो बलिया में जब से ये खबर सामने आ रही था, स्वतंत्र देव सिंह की रैली थी और महिलाओं का काफी हुजूम देखने को मिला, और महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें समूह की मीटिंग बताकर बुलाया गया था। उन्हें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ पे कौन आ रहा है, जबकि बताया गया था कि समूह के अधिकारी आ रहे हैं। जिसके बाद महिलाएं काफी आक्रोशित नजर आई, तस्वीरें देख सकते हैं आप, मैसेज भी दिखाते हुए दिख रही हैं कि उनको ये बताकर बुलाया गया था और उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी। स्वतंत्र देव सिंह की रैली में ही बड़ा हंगामा हुआ, जिसके बाद अब पुलिस ने सभी महिलाओं को समझा बुझा कर शांत कराया। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं बलिया से। अखिलेश, क्या वजह बता रही है महिलाएं, किस वजह से उग्र हो गई थी? शिका जी, जब महिलाओं से पूछा गया तो महिलाओं बताया कि हमारे समूह सहायता एक समूह चलता है, जिसपे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप लोगों की मीटिंग है और मीटिंग में सारे जो समूह के अधिकारी रहेंगे और स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे, और आपकी जो भी परेशानियां हैं समूह सहायता की वो आपको हल कर दिया जाएगा। इस वजह से काफी महिलाएं और काफी भीड़ से इस रैली में आई, और इस वजह से महिलाओं को जब आक्रोश फूटा, और जिससे विजय त्रिपाठी एडिशनल एसपी ने इस महिलाओं को काफी उग्र हो गई थी उनको शांत कराया। जी, तो ये किस तरीके का मैसेज दिखाती हुई नजर आ रही है तस्वीरों में महिलाएं? वो भीड़ जुटाने के लिए कहीं ना कहीं एक बात कही जाएगी महिलाओं का, जिस तरफ दावा था कि हमें ये भीड़ जुटाने के लिए हमें बुलाया गया था कि हमें दिखाने के लिए कि बस और कोई मैसेज देने के लिए कि भीड़ महिलाएं की काफी है। तो क्या महिलाओं को पता नहीं था कि इस रैली में स्वतंत्र देव सिंह भी आ रहे हैं? पता था, लेकिन उनको ये कहा गया था कि आपके जो भी समूह सहायता के अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे, और स्वतंत्र देव सिंह जो आपके परेशानी जो भी कठिनाई हो रही है उसमें जोड़कर आप लोग वो मामले सॉल्व किए जाएंगे। जी, तो ना ही महिलाओं की बात सुनी गई, ना ही वहां पे अधिकारी आए समूह के। हाँ, तो इसी वजह से महिलाएं नाराज थी। बस इसी वजह से महिलाएं, उनको बात सुनी भी नहीं गई। जब वो मलाई हमें हमारी अधिकारी कहाँ है समूह सहायता के जो हमारे इस मसले को हल कर सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अखिलेश जुड़े थे बलिया से। अलीगढ़ में जनसेवा केंद्रों पर अवैध वसूली की शिकायत को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अवैध वसूली के चलते अतरौली तहसीलदार उषा सिंह ने तहसील के सामने चल रहे जनसेवा केंद्रों पर छापा मारकर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि जनसेवा केंद्रों पर अवैध वसूली की शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंची थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। अतरौली तहसील के पास आकाश जनसेवा केंद्रों की कई शिकायतें थी। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के क्षेत्र अवैध उगाही कर गरीब जनता का शोषण किया जा रहा है। जनसेवा केंद्र पर अवैध उगाही को लेकर वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। तहसीलदार उषा सिंह ने छापामार कार्रवाई करते हुए दो जनसेवा केंद्रों को सील कर दिया है। छापामार कार्रवाई में दुकान से कई संदिग्ध कामकाज भी मिले हैं, कागजात मिले हैं। फरुखाबाद में बीमारी के कारण सैनिक की मौत हो गई, जिसके बाद सैनिक के शव का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ गंगा तट पर किया गया। जनपद हरदोई के पाली भरखनी निवासी दिवाकर वाजपेयी सेना नायक पंजाब के फिरोजापुर के 165 मीडियम रेजिमेंट में तैनात हुए थे, जिनकी बीते दिन अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई। सैनिक का पार्थिव शरीर फरुखाबाद के शहर कोतवाली के पांचाल घाट गंगा तट पर लाया गया, जहां शहीद के अंतिम दर्शन के लिए घाट पर लोगों का हुजूम उमड़ा।
ललितपुर महरौली कस्बा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह के साथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का महाभिषेक किया। इसके बाद पंडित विश्वनाथ पुरोहित मल्हारगढ़ के निर्देशन में मंडप पूजन महाभिषेक और हवन श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह के साथ जयकारे लगाते हुए किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर कृष्ण कला रासलीला मंडल वृंदावन के कलाकारों ने राम विवाह पंचमी के मौके पर धनुष यज्ञ रामजान के विवाह की लीला का शानदार मंचन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर SDM तहसीलदार समेत कई अधिकारी और नेता भी मौजूद रहे। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अंशुल द्विवेदी जुड़ चुके हैं ललितपुर से। अंशुल, किस अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? बताते चले, मेहरौनी इस समय धर्ममय डूबी हुई है। धर्म नगरी मेहरौनी में 5 दिसंबर से ही रासलीला का मंचन किया जा रहा है। यहाँ पर श्री देव लक्ष्मी नारायण जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बता दें, 400 वर्ष पुराना जीर सिंह मेहरौनी में बना लक्ष्मी नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया है। 5 दिसंबर को भव्य शोभा यात्रा मेहरौनी में निकाली गई थी। 5 दिसंबर की देर शाम से ही रोजाना यहाँ पर मथुरा से आई हुई मंडली द्वारा श्री भगवान कृष्ण की रासलीला का रोजाना मंचन हो रहा है, जो की 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। बीती रोज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लीला में कालिया नाम का वध किया और रोजाना भव्य लीला का मंचन यहाँ पर हो रहा है। चिका जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अंशुल द्विवेदी जुड़े थे ललितपुर से। राजनीतिक पार्टी से लेकर जिलों में प्रशासनिक अमला तक चुनावी मोड में है। इसी कड़ी में रायबरेली का पुलिस और प्रशासनिक अमला भी अलर्ट हो गया है। चुनाव नजदीक है, इसलिए सार्वजनिक स्थलों पर पकड़ बनाए रखने के लिए रूटीन फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके बाद अतिक्रमण के चलते आधे जाने वाले को परेशानियों से बचाने के लिए CO सिटी और CO मजिस्ट्रेट ने संयुक्त रूप से अभियान भी चलाया। अस्पताल चौराहा सुपर मार्केट और घंटाघर चौराहा इलाके में जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए दुकान के बाहर पटरी कब्जाने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि अगर वो लोग पटरी पर दुकान लगाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फ्लैग मार्च चुनाव सन्निकट है, तो एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए फ्लैग मार्च एक रूटीन का हिस्सा है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़ चुके हैं रायबरेली से। ओम शंकर, क्या कुछ जानकारी, किस वजह से ये फ्लैग मार्च निकाला गया है? जी हाँ, चुनाव के मद्देनजर जो है पुलिस ने रास्तों का अतिक्रमण हटाने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला था और जिनका सामान या जो नाली और नालों पर अतिक्रमण किए हुए थे उनको हिदायत देते हुए 3 दिन का समय दिया और कहा गया अगर 3 दिन के बाद भी अतिक्रमण आप लोग करते हैं तो मुकदमा पंजीकृत कराकर विधिक कार्रवाई करी जाएगी। जी, तो ये अतिक्रमण हटाने का काम कितने दिनों तक चलेगा? 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि आप लोग स्वतः हटा ले। और CO सिटी वंदना सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट पल्लव मिश्रा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकला था और व्यापारियों को निर्देशित किया गया 3 दिन के अंदर आप लोग जो है नाली से अपना सामान हटा ले, रोड खाली कर दे, अन्यथा मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी, तो इस पे व्यापारियों का क्या कहना है, क्योंकि व्यापारियों को तो इससे काफी नुकसान होगा? नहीं नहीं व्यापारियों कहीं ना कहीं व्यापारी भी गलत है, क्योंकि वो दुकान के बाहर पूरा सामान लगा देते हैं और आवागमन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को। उसी के मद्देनजर ये फ्लैग मार्च चलाया गया। हालांकि CO सिटी के निर्देश का इतना फायदा जरूर हुआ कि व्यापारियों ने स्वतः अपना सामान हटाना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे रायबरेली से। शाहजहांपुर में नवंबर के महीने जाने के बाद 1 दिसंबर से ही धीरे धीरे कोहरा पड़ना शुरू हो गया है, जो रबी की फसल के लिए सबसे लाभप्रिय बताया जा रहा है। क्षेत्र में गेहूं की फसल रिकॉर्ड तोड़ होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो गेहूं की फसल को कोहरा पड़ना सबसे लाभप्रिय माना जाता है, जबकि फसलों के लिए ये हानिकारक माना जाता है।
खजूरी गांव के किसान संजू सिंह ने बताया कि इस बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी है। जिले में मौसम के साथ शुरू हुई सर्दी के आसार के बीच कोहरा फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ओस की बूंदे रबी की फसल को नवजीवन देने वाली साबित होंगी और कोहरे ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। जिले में मौसम का बदला मिजाज गेहूं के लिए अमृत बन गया है। आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ने की संभावना है, जो रबी की फसल के लिए फायदेमंद होगी। कृषि विभाग के विशेषज्ञों के मुताबिक दिसंबर में सर्दी कम है और आलू की फसल के लिए कोहरा काफी हानिकारक होता है। रायबरेली के ऊंचाहार थाने के अंतर्गत सवैया तिराहे के पास लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां एक साथ लगातार तीन ट्रकों के आपस में लड़ने से हड़कंप मच गया, जहां लखनऊ से प्रयागराज जा रहे ट्रक का टायर फटने से ट्रक अनियंत्रित होकर दूसरे ट्रक से टकरा गया। इसके बाद पीछे से आ रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाने से वो भी अनियंत्रित होकर बीच सड़क में पलट गया। एक साथ तीन एक्सीडेंट होने से लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर जाम लग गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक का चालक स्टीयरिंग में फंस गया। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक में फंसे ड्राइवर को कटर से काट कर निकाला। सीतापुर के महमूदाबाद के जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड का वितरण किया। जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास कर रही है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों का बिना किसी भेदभाव के विकास हो रहा है। तो विकास की बात करी है और बताया है कि बिना किसी भेदभाव के विकास किया जा रहा है। और सीतापुर के महमूदाबाद के जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग और सेतु निर्माण की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीतापुर के थाना सिधौली और सर्विलांस के संयुक्त पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान जुआ खेलते हुए 22 लोगों को हाईवे रेस्टोरेंट और मोहम्मद हारून के घर से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से नकदी 52 ताश के पत्ते और 6 चार पहिया वाहन भी बरामद हुआ है। तो 22 लोगों को हाईवे रेस्टोरेंट और मोहम्मद हारून के घर से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से कई सामान भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि नकदी 52 ताश के पत्ते और 6 चार पहिया वाहन बरामद हुआ है। तो सीतापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 22 लोगों को हाईवे रेस्टोरेंट से जुआ खेलते हुए पकड़ा गया है, जिनके पास से 22 ताश के पत्ते और 6 चार पहिया वाहन बरामद हुआ है। जुआरियों पर पुलिस शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। आए दिन ऐसे जुआरियों को पकड़ा जा रहा है और इन पे विधिक कार्यवाही करते हुए एक्शन लिया जा रहा है। वही अब खबर सीतापुर से, जहां पर रेलवे क्रॉसिंग के पास सीओ निघासन सुबोध जायसवाल और ड्राइवर राम लड़ियते हाईकोर्ट लखनऊ जा रहे थे। सुबह इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर रोड के किनारे तालाब में पलट गई, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। हादसे में सिर्फ ड्राइवर के हाथ में चोट आई और रोड पर ब्रेक ना होने से रास्ते में ड्राइवर
का कोई भी बोर्ड नहीं लगा। अनियंत्रित होकर सीओ निघासन की गाड़ी पलट गई तालाब में और रास्ते में ब्रेकर ना होने से ये गाड़ी पलटी है। बताया जा रहा है सीतापुर से ये खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।